गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड, ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, उसके फॉर्मेशन के लिए इंडिया की कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो द मेन प्रॉब्लम इज, फर्स्ट वन इज राइजिंग पॉपुलेशन. चाहे पॉवर्टी ले लीजिए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ले लीजिए, एवरीवेयर द मेन प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज राइजिंग. ओके, सो रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, उतनी ह्यूमन कैपिटल का जो स्टेटस है, जो कंडीशन है, वो गिरती चली जा रही है. ओके, सेकेंड थिंग इज ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन मीन्स माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स बॉर्न एजुकेटेड एंड ट्रेन इंडिया टू डेवलप कंट्री इज अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मीन्स जो भी इंडिया के एजुकेटेड पीपल्स हैं, दे आर मूविंग टू अब्रॉड. ओके, मीन्स द रिसोर्सेज ऑफ आर कंट्री गिविंग बेनिफिट टू अदर कंट्रीज. ओके, दैट इज वाई ऑल्सो देर इज प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. डेफिशिएंट इन मैन पावर प्लानिंग. नॉट एनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं करे जा रहे हैं. एज वेल एज इनसफिशियंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में ऑन जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स बहुत ही कम हैं. दिस इज ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम. ओके, एज वेल एज लो अकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन आर एंथुसियाज्म टू स्प्रेड ओवर हाई एजुकेशन. वी हैव सीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटीज अनलॉफुल देयर अकेडमिक स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अनमाइंडफुल ऑफ देयर अकेडमिक स्टैंडर्ड्स. ओके, बट दे आर ओपनिंग देयर अकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू अप टू मार्क. ओके, सो देयर इज मेन प्रॉब्लम. Now see, but the next point is education, an essential element of human resource development. We know very well that education is an asset which can never be destroyed. कि मतलब कभी भी ना इसकी चोरी हो सकती है, ना ही इसको कोई destroy कर सकता है. Okay. So as it also plays a vital role इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग. इट इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप्स. अब एजुकेशन क्या करता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, स्किल इम्प्रूव करता है, ऑल द थिंग्स. ओके, एजुकेशन इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज. ठीक है, जो भी चेंज होते हैं उसके अंडर है. हाउएवर कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इंडिया हैज नॉट बीन सो इनकरेजिंग. मतलब अदर कंट्रीज के कंपेरिजन में इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट्स नॉट सो इनकरेजिंग. इवन लिटरेसी रेट इन द कंट्री कंटिन्यू टू बी वेरी लो. और जो इंडिया में लिटरेसी रेट है, वो भी बहुत ज़्यादा कम है. इट्स नॉट अप टू डेट. ओके, नाउ सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. अगर कोई एजुकेटेड बंदा है, तो ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ओके, सेकेंड थिंग, इट डेवलप्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो एजुकेशन है वो क्या करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करती है. इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज
ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये क्या करता है, जो ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको अवेल कराता है। इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। ओके, मेंटली भी लोग जो एजुकेटेड हैं दे माइट बी थिंकर। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन्स। इट डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक है, एजुकेशन ह्यूमन की पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, इन नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। सो फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन दिस सेक्टर नीड टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, अगर वो भी प्राइवेट सेक्टर में है तो वो इतना स्पेंड नहीं करेगा जब तक उसके पास आइडिया नहीं होगा कि मुझे जो है ये रिटर्न मिल जाएगा। ओके, here with the help of table you can see expansion of general education shows the expansion of general education during 5-year plans in primary and middle schools 1951 there was 2.23 lakh। okay, and after that 12.70 lakh in colleges 578 now in 15-16 39,000 71। ओके, सो दिस इज द एक्सपेंशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी मिडिल 19 लाख एंड नाउ इन 16-17 करोड़। इन हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल्स 15 लाख नाउ 3.2 करोड़। हायर एजुकेशन 3.6 लाख नाउ 346 लाख। सो कंसिडरिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइज टू रेगुलेट एजुकेशन सेक्टर थ्रू वेरियस अमंग दिस। इंडियन एजुकेशन इसमें NCERT भी चल रही है। ठीक है, एज वेल एज फॉर द हायर स्टडी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज पार्टिसिपेटिंग। सो सस्टेंशियल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द प्लान। नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन हैज इंक्रीज रफली बाई 5 times। ठीक है, 5 times तक वैल्यू बढ़ चुकी है। ओके, सो एंड फायर मेडिकल व्हाट विच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग ऑन ICMR बेटा। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी एलिमेंट्री एजुकेशन। नाउ एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स स्टूडेंट्स ऑफ 1 to 8 class। ओके, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। एंड नंबर ऑफ मिडिल स्कूल हैज कंसिडरिंग इंक्रीज। इन 1950 to 51 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 2.23 लाख एंड इन 16 इट इज इंक्रीज टू 12.70 लाख। हाउएवर लो परसेंटेज ऑफ एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन इन प्राइमरी क्लास पॉइंट्स टू एजुकेशनल बैकवर्डनेस इन द कंट्री। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे हो जा रहे हैं ना तो इससे क्या हो रहा है, एजुकेशन एज वेल एज कंट्री लुक्स फॉर बिहाइंड। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट की पोजिशन जाता जा रही है। सो फॉर द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वी वॉन्ट टू कैलकुलेट। सो वी कैन कैलकुलेट बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इंटू 100 वी कैन कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट इज सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। सो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन 1950-51 देयर वॉज 7,400 स्टूडेंट्स एंड इन सेकेंडरी स्कूल लेवल देयर वर 15 लाख स्टूडेंट्स। सो इन 15-16 नंबर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स रोज टू 2.52 लाख एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट अप टू 3.2 करोड़। ओके, सो इन 87-88 नवोदयास वर एस्टेब्लिश्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स। ओके,
these are helpful for the student and for higher studies after independence. Higher education shown convincing growth over time. As many as 799 universities are providing higher education. So these all are helping the students nowadays. Okay, and they are get benefited from the schools, and they are getting education. So all are helping in the development of our country. Okay, so by this video, this chapter is going to be finished. So complete all the points from a notebook also, book. And if anybody is having any problem, you can ask. Bye bye. Take care.